आपने देखा अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। ये दिखाता है कि जैसे खड़गे जी को 1,25,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट ने लोकसभा इलेक्शन में जनरल इलेक्शन में हराया था, ऐसे ही यहां से बीजेपी का प्रत्याशी श्री मणिकांत राठौर भारी बहुमत से उनके पुत्र को भी परास्त करने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना। देखा अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। ये दिखाता है कि जैसे खड़गे जी को 1,25,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट ने लोकसभा इलेक्शन में जनरल इलेक्शन में हराया था, ऐसे ही यहां से बीजेपी का प्रत्याशी श्री मणिकांत राठौर भारी बहुमत से उनके पुत्र को भी परास्त करने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना। तब तिळ्कोंड्रि मोदी अंद्रे ई विषद आवितंगे ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಮತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಮತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ವಿಕಾಸ್ ಕಿನ್ ಕಾರ್ಯೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇ ಮುಜೆ ಗಾಲಿ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಪಿಟಾರಾ ಫಿರ್ ಖೋಲ್ ದಿಯಾ. ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं. सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है. इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं. ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है,
ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में, हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलिए। मिलेंगे ना, घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। आप जब विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है, ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में, हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलिए। मिलेंगे ना, घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। आप जब